जानसु आलिया के पास भी जाती है मदद मांगने, क्योंकि उसने पैसे देने थे उसे। पर आलिया कहती है कि तुम्हें किस लिए भेजा है यहाँ और तुम क्या करने लगी, फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, भागो यहाँ से। जाते हुए आलिया को भी धमकी देती है जानसु। आलिया को थोड़ा डर है क्योंकि जानसू के पास खोने के लिए कुछ नहीं, तो वो कुछ भी कर सकती है। इधर हसन को उसका दोस्त जिसका नाम है मुस्तफ़ा कॉल करके कहता है कि उसका बेटा हाथ से निकल गया, इस बार एक दुश्मन से जा भिड़ा है और अभी मुश्किल में है। हसन कहते हैं उसे यहाँ भेजो, मैं उसे ठीक करूँगा। लड़के का नाम है उमर। एनीवेज ये वाला इंसान भी अहम रोल निभाएगा इस सीज़न में। इनफैक्ट हसन ने जब ये बात शायिका से शेयर की कि एक जवान लड़का आ रहा है, शायिका के मन में भी लड्डू फूटने लगे। हाँ शायिका, जवान लड़का, पैसों वाला अंकल नहीं। पर शायिका तो यिल्दिज़ और जुनैद को मिलाने का सोच रही है ताकि उसके और हसन के प्यार में इजाफा हो। और ज़हरा कहती है कि इतना प्यार है तो हसन तुमसे बच के भागता क्यों फिरता है। देखा, नशे में भी दिमाग चल गया, पर यह याद नहीं कि उसने किसी को नहीं मारा रॉड से। शायिका जाकर यिल्दिज़ के पीछे पड़ती है, जुनैद से सुलह करने और हालिद चांद को मांगती है हसन के पास ले जाने के लिए। क्या बकवास है यार, यिल्दिज़ भी दे देती है। हाँ दे दो ताकि इसको भी जहर दे दे। हसन सोने जाता है और शायिका उसके रूम में हालिद चांद को लेके आ जाती है और वही बकवास करती रहती है। आसमा को जलन होती है और वो यिल्दिज़ के साथ हसन के रूम में दाखिल हो जाती है हालिद चांद के बहाने। बेचारा हसन शायिका से बचने के लिए हालिद चांद को आज रात यही रहने देना चाहता है, पर यिल्दिज़ लेके चली जाती है। और हसन के शायिका से लाख इसरार करने के बाद भी कि वो अपने रूम में चली जाए, वो नहीं जाती और उसी कमरे में अपने शौहर के साथ सो जाती है। हसन के तो 12 बजे हुए हैं, पर श्योर उसने कुछ नहीं किया, वरना तो छी। रात को आसमा को नींद नहीं आई ये सोच के कि उसके प्यारे समधी के साथ शायिका सो रही है। सुबह यिल्दिज़ घर ढूंढने की बात करती है, यानी कितने दिन यहाँ रहेंगे वो लोग। हसन कहते कि मैं नहीं जाने दे सकता तुम लोगों को, तुम लोग मेरी फैमिली हो। शायिका भी अपने शौहर की बात दोहराती है और अपने शौहर को साइड में लेके जाती है कुछ बताने। शायिका प्लान करती है हसन के साथ कि जुनैद और यिल्दिज़ को आज रात अकेले इस घर में बंद कर देंगे और वो दोनों बाहर चले जाएंगे ताकि उनमें सुलह हो जाए। हसन मान जाता है। इधर ज़हरा नशे के हालत में यिल्दिज़ को जानसू के खिलाफ उसका देती है, जिसे यिल्दिज़ गुस्से में जानसू के पास जाती है उसका सामना करने। ऑफिस में शायिका कुछ बदलाव करना चाहती है, जिसके लिए उसने आलिया को पेपर्स भिजवाए हैं साइन करने के लिए। ऊपर से जब भी वो शायिका का नाम ले रही है, हर एम्प्लॉय उसको सही करके बोलते हैं कि शायिका मैडम, यानी वो लोग उसको शायिका मैडम कहने बोलते हैं। इतना तो हसन को भी कोई नहीं मानता, कुछ भी दिखाते हैं। हाँ शायिका प्लानिंग कर रही है कि ऑफिस का रंग बदलेगी और सामने दो बड़ी तस्वीरें लगाएगी, एक शायिका और एक हसन की, और गार्ड्स की भी यूनिफॉर्म्स चेंज होंगी, जिसमें बैज लगाया जाएगा जिसमें लिखा होगा SK, यानी शायिका कुयोचू। और उसे हसन की परवाह नहीं कि वो क्या बोलेगा, वैसे भी उसके इशारों पर नाच रहा है। उड़ लो जितना उड़ना है शायिका, तुम्हारी ज़िंदगी में भी तब्दीली आने वाली है। आलिया शायिका को कन्फ्रंट करने आती है उसके बॉसी एटीट्यूड को लेके। कोई फ़ायदा है, उल्टा शायिका के बकवास सुन के गुस्सा आ जाएगा। वही हुआ, यानी पार्टनर्स होने के बावजूद वो क्यों बॉस बनी जा रही है। शायिका कहती है कि तुम्हें जलन हो रही है कि मैं हसन की बीवी हूँ। शायिका सही में इतने दिनों से प्यासी बैठी हुई थी कि किसी अमीर चाचा से शादी हो जाए उसकी। देखा नहीं हालिद के पीछे भी कैसे पड़ी थी, फिर नादिर और उसका सबसे पहला पति भी बूढ़ा ही था, तीनों में से कोई जिंदा नहीं रहा, हसन का क्या होगा अब। आलिया कहती है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी तो कब की शादी हो जाती हसन से, पर मैं उसके साथ अच्छी नहीं लगती इसलिए तुम्हें दे दिया। शायिका कहती कि अभी पछता रही हो क्योंकि मैंने आज उसे जीत लिया अपने खूबसूरती से। अच्छा आलिया इन सब में ना पढ़ के बोर्ड के लोगों से भी बात कर सकती है, यानी कहीं तो कंप्लेन कर ही सकती है ना, और वैसे भी हसन के शादी के रजिस्टर में तो आलिया का नाम ही है, तो उस चीज़ का ही फ़ायदा उठा सकती है वो। चलो जाने दो हमें क्या। और आ गया नया लड़का उमर, उसको हसन वेलकम करता है और वो भी अदाना का ही है, और उनकी बातों से लगता है कि अदाना टर्की का पंजाब है। एनीवेज हसन उसको सुधारने के लिए अपने घर में रहने कहता है। हसन तो सबको अपने घर में रख रहा है धर्मशाला। बाहर निकल के उमर शायिका को देखता है और फिदा होने लगता है। मुझे पता था यही होगा। आलिया कुंवर से किसी एंटिक शॉप का नंबर मांगती है ताकि वो हसन को एक मस्त गिफ्ट दे सके, यानी उसे हसन का दिल जीतना है और उसको फील कराना है कि आलिया जैसी क्लासी औरत की ज़रूरत है उसे, यानी आलिया को हसन से शादी ना करके पछतावा हो रहा है। यिल्दिज़ आमिर से कॉल करवाती है जानसू को ताकि जानसू का पता चले। जानसू होटल में ठहरी है। आमिर यिल्दिज़ को लेके जाता है वहाँ और यिल्दिज़ जानसू का खटकाती है दरवाज़ा। जानसू सोचती है कि आमिर आया है उसकी मदद करने, पर यिल्दिज़ अंदर आती है और उसको पूछती है कि क्या मिला ये सब करके। जानसू कहते हैं जुनैद से मैं प्यार करती हूँ। यिल्दिज़ कहती है कि अब मेरा गुस्सा ठंडा हो गया है तुम्हारी ऐसी हालत देख के। तभी जानसू से कहती है कि मुझे आलिया और शायिका ने हायर किया था तुम्हें और जुनैद को अलग करने के लिए।
यिल्डिज उसको फिर से दिखने से मना करती है, पर अंदर से उसे आलिया और शाइका पर डाउट होने लगता है। आमिर को कुंवर से उगलवाने कहती है। आमिर कुंवर से पूछते हैं कि जानसू को किसी ने भेजा है क्या। कुंवर डर जाता है ये सुन के, कहते हैं कि उसे कोई क्यों भेजेगा। आमिर कहते हैं कि जुनैद और यिल्डिज को अलग करने के लिए। अब कुंवर को तो पता है कि इस मिशन से तो नहीं आई थी जानसू, तो एकदम से वो श्योर होकर कहते हैं कि नहीं तो, यानी जानसू एक साइको है तो वो ही उन्हें अलग कर रही है, और कोई और क्यों उन्हें अलग करना चाहेगा। आमिर भी और सवाल नहीं करता। इधर शाइका आसमा और जहरा से अपना प्लान शेयर करती है यिल्डिज और जुनैद को मिलाने का। उन्हें शाम को घर खाली रखने कहती है और खुद जाती है किचन में। वहाँ एप्रन पहन के टमाटर काटती है और नरमिन को इस सीन की फ़ोटो लेने कहती है ताकि वो हसन को दिखा सके। यार ये करना क्या चाहती है। अब इसी हालत में वो बाहर लिविंग एरिया में जाती है जहाँ उमर आया हुआ है। उसे लगता है कि शाइका मुलाजिम है क्योंकि उसने एप्रन पहना हुआ है और ऑफिस में भी दिखी थी, तो उसे फ्लर्ट करने लगता है। तभी नरमिन आके शाइका को लेडी बॉस बुलाती है। तब उमर को समझ आ जाता है कि ये बच्ची हसन अली की बीवी जान है। वो माफ़ी मांगता है। वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बाय।